सपना गार्डलिंग ने लिखा है, नमन अनंत श्री गुरुजी, मेरी सिस्टर की शादी को 18 साल हो गए। शादी के बाद उसको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा और उसके जीवन में दुख ही दुख आए। अभी भी वो सेटल नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, देखो कुछ ऐसे प्रश्न कल भी मेरे पास थे आपकी तरफ से। समस्याएं हैं, समस्याओं का निस्तारण, निवारण, सल्यूशन आएगा अपने अंतर्मन को सुलझाने से। रास्ते निकलेंगे, रास्तों को ढूंढा जाए। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे समाज की एक ऐसी दुर्व्यवस्था है, कटु सच्चाई है जो कि है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने ऐसा ढांचा बनाया है। उस ढांचे को हमें बदलना होगा। परिवार में हिंसा की अनुमति क्यों होनी चाहिए? बचपन से ही हमको ये सारा जो ढांचा है इसको बदलने का काम करना होगा। चूंकि इसकी स्वीकृति जाने अनजाने लोगों के अंदर पड़ चुकी है, इसलिए ये समस्या आगे चलती चली जाती है। संबंध अगर बहुत खराब हो तो संबंधों से बाहर हो जाना भी एक विकल्प है। मैं ये नहीं कह रहा कि बात बात पर अलग हो जाइए, लेकिन जब कभी कोई चीज़ सीमा से आगे जाए तो संबंधों को इतना स्थायी स्वरूप भी नहीं देना चाहिए कि उनमें कुछ किया नहीं जा सकता। जिन संबंधों में सम्मान ना हो उन संबंधों का क्या औचित्य है? संबंधों का आधार प्रेम से भी पहले सम्मान का होता है। प्रेम सम्मान से आगे बढ़ता है। अगर आपस में सम्मान ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, तो चीज़ें विकृत होती चली जाती हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें शुभ होंगी, रास्ते पर चलें, अपने को सुलझाएं और कुछ न कुछ मार्ग निकलेगा।